हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज शक्ति एंड आई एम एन इंग्लिश लेक्चरर सिंस लास्ट 20 इयर्स। एंड टुडे वी विल गिव अ समरी ऑफ द टेक्स्ट द नेकलेस। इफ यू आर न्यू ऑन अवर चैनल एंड इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ अवर वीडियोज फर्स्टली। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक द नेकलेस। तो ये कहानी है एक ऐसे औरत की जो अपने हालातों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि उसका जन्म जो है दुनिया के सारे ऐश और आराम को पाने के लिए हुआ है, लेकिन शायद तकदीर की एक गलती की वजह से उसका जन्म जो है बहुत ही गरीब से परिवार में हो गया है। तो उसका पूरा का पूरा समय जो है इसी परेशानी में, इसी दुख में, दुविधा में बीतता है कि कहां तो उसको जन्म लेना था और कहां उसने जन्म ले लिया है। तो उसका नाम था मटिल्डा। तो मटिल्डा काफी बड़े बड़े सपने देखा करती थी, लेकिन सपने जो वो देखा करती थी उसकी पहुंच के काफी बाहर थे। तो उसकी शादी जहां पर होती है वो भी एक मिडिल क्लास घर ही था। अब उसका पति जो है उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है, जी जान से प्यार करता है और उसकी हर एक ख्वाहिश को पूरी करने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन एक बात कही गई है कि अगर आप अपने पैर अपनी चादर से बाहर फैलाने की कोशिश करोगे तो आपको वो खुशी नसीब नहीं होगी। तो मटिल्डा जो है अपनी खुशी देखा करती थी लग्जरी में, पैसे में, और इतना पैसा, इतनी लग्जरी उसका पति जो इसको दे नहीं सकता था। तो हमेशा जो है उसका पति उसको हर वे में किसी न किसी तरीके से खुश करने की कोशिश किया करता था, लेकिन हर बार मटिल्डा जो है अपनी पति की हर उस कोशिश को जो है तोड़ देती थी, उसका मखौल बना देती थी। तो बेचारा पति भी मन मार करके रह जाया करता था। तो लेकिन एक दिन पतिदेव जो है बड़े उत्साह के साथ में घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी मटिल्डा को एक इनविटेशन दिखाते हुए बोलते हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने जो है इन्वाइट किया है हमको एक बॉल पार्टी के अंदर, और डार्लिंग तुम मेरे साथ चल रही हो। तो पहले तो जो है वो बॉल पार्टी का इनविटेशन देख करके मटिल्डा बड़ी खुश हुई, लेकिन खुशी के साथ में ही उससे भयंकर दुखी हो गई। अब उसको इतना दुखी देख करके जो है उसका हस्बैंड मिस्टर लुइजेल बोलता है कि यार डार्लिंग मटिल्डा, मुझे तो लगा था तुम बड़ी खुश होगी, लेकिन ये इन्विटेशन देख करके बजाय खुश होने के तुम तो जो है दुखी हो रही हो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं उन सेलेक्टेड लोगों में हूं जिन लोगों को जो है ये इन्विटेशन दिया गया है। तो इतना सुनते ही मटिल्डा बोलती है, बोले इस इन्विटेशन को मैं चाटू क्या, क्योंकि ये इन्विटेशन एजुकेशन मिनिस्टर ने आपको दिया है और जो पार्टी वहां पर ऑर्गेनाइज हो रही है वो बहुत ग्रैंड पार्टी होगी। तो आपने इतना सा दिमाग लगाया क्या कि उस पार्टी में मेरे पास में पहनकर जाने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है। अब ये सुनते ही पतिदेव थोड़े से बैकफुट पे आ गए। तो वो जो है कन्विंस करने की कोशिश करते हैं मटिल्डा को कि उनके पास में जो बेस्ट टू बेस्ट ड्रेस है वो पहन करके चल चलो। तो ये सुनकर के मटिल्डा बोलती है, बोले बेस्ट टू बेस्ट ड्रेस अगर पहन करके गई तो वहां पर जो है उस पार्टी के अंदर कोई काम करने वाली बाई से ज्यादा उसकी हैसियत औकात नहीं दिखेगी, और वहां उस पार्टी में जाकर के अपना मखौल मजाक उड़वाना नहीं चाहती थी मटिल्डा। तो बात तो सही थी, ये बात लुइजेल को भी समझ में आ गई कि मटिल्डा बात तो सही कर रही है। तो उसने जो है मटिल्डा से ही पूछा था, चलो उस पार्टी में जाने के लिए अप्रोक्स जो आपको एक नई ड्रेस खरीदनी है कितने की आ जाएगी। अब इतना सुनते ही जो मटिल्डा है थोड़ी सी अंदर से हिचक गई, क्योंकि वो जानती थी कि एक डिसेंट ड्रेस जितने की आती है अगर पतिदेव ने सुन लिया तो हो सकता है हार्ट अटैक ही आ जाए उनको। लेकिन पतिदेव आगे से जब खुद कह रहे थे कि चलो बताओ कितने की आएगी, तो उसने जो है थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि कुल मिलाकर की जो है डिसेंट सी ड्रेस जो है 400 फ्रेंक्स की आ जाएगी, जैसा उसने सोचा था। प्राइस सुनते ही पति देव का मुंह सफेद पड़ गया, लेकिन क्या करें भाई, पत्नी ने डिमांड ऐसी कर दी है, ओकेशन भी ऐसा है। अब तो भाई साहब मर्द की जबान की बात आ गई थी, वो भी कहते चल ठीक है मटिल्डा 400 फ्रेंक्स मैंने तेरे को दिए, लेकिन ऐसी ड्रेस बनवाना जो उस बॉल पार्टी के अलावा भी हम कहीं पर पहन सकें। तो मटिल्डा ने जो है 400 फ्रेंक्स ले लिए और एक बड़ी सुंदर डिसेंट और शानदार सी ड्रेस सिलवा दी। लेकिन जब ड्रेस सिलकर की आ गई तो मटिल्डा फिर से उदास परेशान। अब उसको फिर से उदास परेशान देख करके जो लुइजेल बोलता है, यार तेरी प्रॉब्लम क्या है, तेरे को नई ड्रेस चाहिए थी, नई ड्रेस मैंने सिलवा दी, अब तेरा ये मुंह क्यों सूजा हुआ है। तो मटिल्डा बोलती है, बोले पतिदेव ड्रेस तो सिलवा दी, लेकिन इस ड्रेस के ऊपर ढंग की ज्वेलरी भी तो होनी चाहिए।
तो उसके पास में ड्रेस के ऊपर पहनने के लिए ढंग की ज्वेलरी थी नहीं। अब ये सुनकर के जो है मिस्टर लुइजेल सोचते हैं, बात तो पत्नी फिर से सही कह रही है कि इतनी शानदार ड्रेस के ऊपर अगर कोई ज्वेलरी नहीं हो तो ये बिल्कुल ही बकवास लग रही थी। तो वो सजेस्ट करते हैं कि यार तेरी एक सहेली है मैडम फॉरेस्टियर, उसके पास जाकर के जो है तुम कोई गहने वगैरह बोरो क्यों नहीं कर लेती। तो आइडिया अच्छा लगा मटिल्डा को, सीधा पहुंच जाती है फॉरेस्टियर के पास में और उसको पसंद आता है वहां पर एक डायमंड का नेकलेस, और उस नेकलेस को लेके चली जाती है बॉल पार्टी में। और उस बॉल पार्टी के अंदर ये मानिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही मटिल्डा थी, पार्टी की जान ही मटिल्डा थी। तो उस पार्टी के अंदर हर कोई उसी को देखे जा रहा था, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो। तो उस पार्टी की शान और शौकत को देख करके और अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पा करके मटिल्डा जो है इंटॉक्सिकेटेड हो गई थी उस फील से, उस इमोशन से जो उस समय उसको फील हो रहा था। तो पार्टी खत्म होती है साहब नियरली 4 o'clock, और जब वो घर लौट रहे होते हैं तो उस समय ना तो कोई गाड़ी मिलती है ना ही कुछ, और फाइनली जो है इनको कैब मिल जाती है जो नाइट में चला करती थी, और उस कैब में बैठ करके जो है सीधा वो अपने घर पहुंचते हैं। तो जब वो घर पहुंचते हैं और मटिल्डा फाइनली एक बार और अपने आप को शीशे में निहार करके देखती है कि जरा मैं अपने आप को उन लोगों की नजर से देखूं कि मैं कैसी दिख रही थी, और जैसे ही उसने अपने आप को शीशे में देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वो जो डायमंड का नेकलेस था वो उससे उसके गले में नहीं था। तो वो अपने पति को घबराहट में बुलाती है, पतिदेव वो जो डायमंड का नेकलेस है वो मेरे पास में मिल नहीं रहा है। तो थोरोली सर्च करते हैं ड्रेसेस को, वहां नहीं मिलता। थोरोली सर्च करते हैं उस रास्ते को जहां से वो लौटे थे, वहां नहीं मिलता। सारे के सारे कैब्स के ऑफिसेस के चक्कर काट लिए मिस्टर लुइजेल ने, वहां भी नहीं मिला। अखबार में एड तक दे दिया, और जो भी कोई उस हार को ला करके देगा उसके लिए रिवॉर्ड तक जो है अनाउंस करवा दिया मिस्टर लुइजेल ने। तो लेकिन ना तो पुलिस ही हार को ढूंढ पाई और ना ही अखबार में एड देने के बावजूद भी कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिला। तो मिस्टर लुइजेल इस बात से श्योर थे कि हार तो लौट करके आने वाला है नहीं, लेकिन जो हार उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि जो तेरी सहेली फॉरेस्टियर उससे उधार ले ले, उसको लौटाना तो था ही। तो वो कहते हैं अपनी पत्नी मटिल्डा से कि अपनी सहेली फॉरेस्टियर को बोल दे कि हार की डोरी टूट गई है जिसको रिपेयर के लिए दिया हुआ है, तो थोड़े दिन और लग जाएंगे मरम्मत होकर के आने में। इसी बीच वो डिसाइड करते हैं कि हूबहू वैसे के वैसा हार खरीद करके जो है वो रिप्लेस करेंगे। तो सीधा जाते हैं वो एक गोल्ड ज्वेलरी की दुकान पर जिसका नाम था पलायस रॉयल, और वहां से उनको पता चला कि उस तरह हूबहू दिखाई देने वाला जो डायमंड का नेकलेस है उसकी कीमत थी 40,000 francs। तो कुल मिलाकर के जो जो वो बार्गेन करते हैं तो कुल मिलाकर के 36,000 francs में जो है सौदा तय कर लेते हैं। अब मिस्टर लुइजेल के पास इतना पैसा तो था नहीं, तो पैसा अरेंज कैसे किया? तो सीन ये है कि जो मिस्टर लुइजेल है उनके पास में 18,000 francs तो पहले से थे जो उसके पिताजी ने जो है उसके लिए छोड़े थे, और बाकी का जो पैसा है मिस्टर लुइजेल ने वो यहां वहां से अरेंज किया, किसी से झूठ बोल करके, किसी से उधार लेकर के। तो कई तरीकों से जो है मिस्टर लुइजेल ने जो है वो 36,000 अरेंज किए, हार को खरीदा और जो है सीधा जो है रिप्लेस करवा दिया, या यूं कहिए कि वो हार को सीधा जो है मैडम फॉरेस्टर के पास में भिजवा दिया अपनी पत्नी को, ये कहते हुए कि तेरी एक छोटी सी गलती ने हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। तो जब वो हार लौटाने जाती है मटिल्डा, तो हार को देख करके मैडम फॉरेस्टियर जो उल्टा ताना मारती है कि सहेली जो चीजें लेकर के जाती है टाइम से लौटा भी दिया कर, हमें भी उनकी नीड पड़ जाती है। तो मटिल्डा ये ताना सुन करके जो है चुप रह जाती है, क्योंकि बोले तो बोले क्या, बात तो सही बोल रही थी। तो उस हार को खरीदने के बाद में 10 साल तक उनकी जिंदगी जो है ये मान लीजिए एक तरह से हर तरीके से बर्बाद होकर के रह गई। छोटी छोटी चीजों के लिए उनको जो है काफी सोचना पड़ता था, स्टैंडर्ड था लिविंग का वो पहले जैसे रहा था वो काफी लो हो गया था, क्योंकि पैसा चुकाना भी तो था जिन लोगों से उधार लिया था। तो 10 साल तक जो उनकी लाइफ थी वो बर्बाद हो गई, पिसके रह गए वो कर्जे के जाल में। और मटिल्डा इन 10 सालों के अंदर साज
श्रृंगार सजना संवरना, वो बड़े बड़े ख्याली पुलाव जो पकाया करती थी उस पार्टी में जाने से पहले, वो सारे के सारे भूल गई। लेकिन एक अच्छी बात मटिल्डा के साथ में ये हुई कि वो काफी स्ट्रांग हो चुकी है, इंटरनली मटिल्डा काफी स्ट्रांग हो गई है। एक दिन संडे के दिन जब वो वॉक कर रही थी चैम्स एलिसीस के अंदर, वहीं पर उसकी नजर पड़ जाती है मैडम फॉरेस्टियर के ऊपर। अब फॉरेस्टियर को देखते ही वो हैरान हो जाती है कि फॉरेस्टियर तो अब भी वैसी की वैसी जवान की जवान है, और वो सीधा उसको अप्रोच करके उसको बुलाती है उस नाम से जो नाम उसके करीबी दोस्त ही जानते थे मैडम फॉरेस्टियर के। तो उसको वो जाकर के बोलती है गुड मॉर्निंग जीन। अब ये जीन नाम सुन करके जो है फॉरेस्टियर थोड़ा सा स्टार्टल्ड हो जाती है। वो कहती है कि माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन आपने जो जिस नाम से मुझे बुलाया ये नाम तो मेरा ही है, लेकिन मेरी काफी करीबी लोग इस बात को जानते हैं। तो ये सुन करके मटिल्डा बोलती है, बोले जीन तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ मटिल्डा। इतना सुनते ही मैडम फॉरेस्टियर हक्की बक्की रह गई, बोले मटिल्डा ही तूने क्या हाल बना रखा है अपना, ये क्या हालत कर ली है। तो मटिल्डा ने जो है पूरी की पूरी कहानी नैरेट कर दी, और जब उसने पूरी कहानी नैरेट करी तो मटिल्डा के दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा मैडम फॉरेस्टियर ने, और वो बोलती है, बोले यार अगर तेरे से हार वो खो गया था तो मेरे को एक बार बोलती तो सही क्या सीन था, तूने अपनी जिंदगी के 10 साल बर्बाद कर लिए, तूने जो है 36,000 फ्रेंक्स चुकाए उस हार के लिए, तेरे को पता है उस हार की कीमत कितनी थी, वो असली हार नहीं था, वो नकली हार था, और उसकी कीमत मात्र 500 फ्रेंक्स थी। इतना सुनते ही ये मान लीजिए मटिल्डा को काटो तो खून नहीं वाली सिचुएशन थी। आगे उसने क्या महसूस किया होगा आई डोंट नीड टू टेल यू। विद दीज वर्ड्स आई फिनिश माय समरी ऑफ द टेक्स्ट द नेकलेस, वी विल मीट अगेन इन अनदर समरी ऑफ सम अदर टेक्स्ट, टिल देन कीप स्माइलिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।